अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज आए हैं हम हाई कोर्ट। ये देखिए आप, आज सेलिब्रेशन है 15 अगस्त का, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया है हाई कोर्ट में स्पेशली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी नारे भी लगाए जाएंगे, आप लोग देखिएगा पूरे टाइम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट था, बीच बीच में नारे लगाए गए हैं। तो देखा आप लोगों ने, वंदे मातरम के नारे लगाए गए हैं। ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग तो बहुत लेट गए तो इसलिए अभी थोड़ी कम भी हो गई है। ज़्यादातर यहाँ पर फैमिलीज़ दिखी, फैमिली के लोगों ने भी बहुत काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं हम, और साथ ही साथ अपनी गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अभियान लागू किया घर घर तिरंगा, वो इसी की देन है। इसी के बहाने ज़्यादातर फैमिली भी बाहर निकली और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। लॉकडाउन के बाद काफ़ी ऐसा था कि लॉकडाउन के टाइम काफ़ी लोगों ने घर में ही रहना पसंद किया, तो घर में ही रहते थे, बट अब ऐसा नहीं था, अब लोग बाहर आए, बहुत इंजॉय किया, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि ये इंजॉयमेंट हमारी काफ़ी साल के बाद हमें मिली है। हम लोग ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। सब लोग वहाँ पर गए हुए थे, सब लोग आपस में मिले भी, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें भी की हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया। ज़्यादातर लोग अपने अपने में ही बिजी थे, सबको अपनी अपनी सेल्फ़ी लेनी थी, तो किसी को वीडियो बनानी थी, किसी को व्लॉग बनाना था, किसी को शॉर्ट्स बनाने थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। वैसे तो हमारे प्रयागराज में काफ़ी कुछ बहुत ही अच्छा ज़्यादा डेकोर किया गया था, सारी चीज़ें ही अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और बिकॉज जो हमारा ये जो तिरंगे का जो कलर होता है, ये हमारे दिल में बसा हुआ है, इसलिए हमें ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो हाई कोर्ट में जो सजावट थी और जितने नारे लग रहे थे, बीच बीच में हमें ये एहसास दिलाया जा रहा था कि हम लोग इंडियन हैं और आज कौन सा डे है, हम लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की बात ही अलग है, हमारे इंडिया की बात ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। हम लोगों के दिल में बसा है इंडिया, रूह में बसा है इंडिया, इंडिया हमारा है। हमारे वहाँ तो सब लोगों का मानना है कि अपनी जो इस आज़ादी का दिन है, इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, और अब की बार तो गवर्नमेंट के थ्रू हो गया, बाकी तो हम लोग वैसे भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी सिंगिंग की परफॉर्मेंस भी दी, जैसा कि है ऐसा देश है मेरा और देश रंगीला रंगीला, बहुत सारे हैं सॉन्ग। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम अंदर जा नहीं सके, तो उसकी वीडियो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उन लोगों का सॉन्ग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आप लोग भी कमेंट में जय हिंद भी लिख सकते हैं और आई लव माई इंडिया भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा लिखिए जिससे मुझे भी एहसास हो कि हाँ, आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है अपने मुल्क से, होती है, सभी को होती है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक बंदे को अपने मुल्क से मोहब्बत है माशाल्लाह। और शहीदों को याद करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है जो आज हम इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं, जो आज़ादी का दिन हमें नसीब हुआ है। अगर उन लोगों ने देश आज़ाद नहीं कराया होता, तो हम लोग आज भी अंग्रेज़ के गुलाम होते, गुलामी हमारी होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हमें इस दिन के लिए भी कि हम ये आज़ादी का दिन मना रहे हैं, हमें ये दिन नसीब हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।